नमस्कार, सीएमएन न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कनिका। आज बात करते हैं खास खबर में बंदूक वाली चाची की। जी हां, बंदूक वाली चाची। दरअसल गुंडे और बदमाशों के लिए बंदूक वाली चाची का नाम ही काफी है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रहने वाली 42 साल की शहाना बेगम के बारे में, जो पुलिस या सुरक्षा गार्ड की नौकरी नहीं करती, लेकिन गुंडे और बदमाशों को कंपाने के लिए उनके हाथ में बंदूक लेकर चलना ही काफी है। वाली चाची, नाम सुनते ही भाग जाते हैं शहदे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए थाम ली बंदूक। छात्राओं के लिए रॉबिन हुड है शहाना। अपराधियों के लिए खौफ का दूसरा नाम है बंदूक वाली चाची। बंदूक थाम करती है महिलाओं की रक्षा। भारत में महिला सुरक्षा को लेकर अभी भी सख्त कानून नहीं बन सके हैं। यही वजह है कि महिलाओं ने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब अपने हाथों में ले ली है। जी हाँ, इसका सबसे सटीक उदाहरण है यूपी का शाहजहांपुर, जहां एक गांव में बदमाश पुलिस से ज्यादा बंदूक वाली चाची से खौफ खाते हैं। यूपी के शाहजहांपुर की रहने वाली शहाना बेगम की उम्र 42 साल है। हाथ में बंदूक लेकर गलियों में गश्त करना उनका काम है। गांव की महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा का जिम्मा शहाना के पास है। शहाना कोई पुलिस या सुरक्षा गार्ड की नौकरी नहीं करती, बल्कि क्षेत्र में औरतों के साथ बढ़ते अपराध को रोकने के लिए उसने नई मुहिम शुरू की है। साल 2013 में शहाना ने अपने गाँव में दो आदमियों को एक लड़की के साथ रेप करते हुए पकड़ा था। पहले तो शहाना ने आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद खुद की अदालत लगाकर आरोपी को रेप पीड़िता के साथ शादी करने का हुक्म दे डाला। बस यही से शहाना ने ठान लिया था कि वह अपने गांव को भयमुक्त कर देंगी। स्थानीय लोगों के मुताबिक शहाना आसपास के इलाकों में बंदूक वाली चाची के नाम से प्रसिद्ध है। शहाना रोज रात को बंदूक लेकर गलियों में गश्त देती है और कहीं भी कुछ खुराफाती हरकत देखने को मिलती है तो उसे पकड़ लेती है। लगी हैं। हम बंदूक वाली चाची कहलाए जाते हैं और सब क्षेत्र में तहसील पुबाया जिला शाहजहांपुर में चाची कहते हैं हमको। बंदूक वाली चाची नाम से हम जाने जाते हैं और हमारा बहुत दूर दूर परिचय है। हमारा गांव, हमारा क्षेत्र, हमारा पड़ोस, हमने ये बंदूक इसलिए हाथ में उठाई है हमारी बहू और बेटियां और महिलाएं सुरक्षित रहें। हमारे दहशत से हमारा गांव तो गांव, हमारे क्षेत्र में, हमारे शाहजहांपुर जिले में किसी जेंट्स या लड़के लड़कों की इतनी वो नहीं है जो बेटियों से बात कर सकें। अगर कहीं पे चार लड़के खड़े हो, लड़कियां निकल रही हैं, तो लड़कियां कह देती हैं अभी अगर तुमने थोड़ा सा भी अंदाज गलत किया तो तुरंत बंदूक वाली आंटी को फोन करके बुलाएंगे और तुम्हें डटवाएंगे। मेरे डर से मेरे सिंधौली ब्लॉक जिला शाहजहांपुर तहसील पुबाया परगना बड़ा गांव में रहने वाली ग्राम मानंदपुर की हूँ। अच्छा, ये बताएं कि जैसे जो इस टाइम के गुंडे हैं आपकी बंदूक से इतना इतना डर रहे हैं कि वो आपके आसपास नहीं आते हैं? ये हमारा भय है, वो डरते हैं कि अगर कहीं बंदूक वाली चच्ची आ जाएगी तो ज्यादा लफड़ा हो जाएगा। हम पिटाई बहुत लगाते हैं, बंदूक हमारी, हमारा मतलब असला हमारे हाथ में, हमारी हिफाजत, सिक्योरिटी गार्ड हमारा खुद, हमारी बंदूक। कितने ऐसे गुंडे जो हैं उनको आप सबक सिखा चुकी हैं अब तक? दसियों हैं, मतलब क्षेत्र जिले में क्या बताएं हम आपको कितने हैं। हम तो आए दिन खुटार थाना, बंडा थाना, सजानपुर, सिंधौली, उबाया में वही जाते ही रहते हैं। गाँवों में अगर कोई थोड़ा मतलब लफड़ा है तुरंत बुलाए जाते हैं, वहाँ डांटते हैं। एक जगह थोड़ी है जी आपको हम बता दें कि कितने हैं। बदमाशों के अंदर शहाना का इतना खौफ भर गया है, यहाँ वारदातों की संख्या कम हो गई है। जो काम पुलिस को करना चाहिए वो अकेले शहाना ने कर दिखाया। बताते हैं कि 17 साल पहले ही शहाना के पति की मौत हो गई थी। ऐसे में शहाना के ऊपर चार बच्चों की जिम्मेदारी आ गई।
शाहना के दो बेटे और दो बेटियां हैं। शाहना ने मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पाला और आज वह समाज को सुधारने का जिम्मा उठा चुकी है। आपकी जो भाभी हैं गांव की, बंदूक वाली चच्ची कही जाती हैं, किस तरीके से आपके गांव में इनका प्रकोप है? प्रभाव अच्छा है, इसलिए कोई बहन है, कोई बेटी है तो उन्हें मतलब सही तरीका से मतलब माना जाता है। कोई मतलब गुंडे लफंगे हैं, कोई मतलब गलत निगाहें ना उठा सके। किस तरीके से दहशत है गांव में, आसपास गांव में? आसपास में दहशत होती है, इसलिए मतलब कोई भी गलत निगाहें ना उठा सके। गली कही जाती है, किस तरीके से आप लोग उनसे डरते हो? वो मतलब गुंडा टाइप के लड़के जो हैं उनसे बहुत डरते हैं, लफंगे नहीं करते हैं, उनके डर के मारे जो है चुप्पा चोरी चुप्पा से निकलते हैं। क्या करती हैं वो, किस तरीके से आप लोगों को बहमे रखती हैं? डांटती हैं और कुछ नहीं करती। बताओ। मतलब जो है वो लड़के जो आते हैं जो गुंडे टाइप के हैं, मतलब उनसे डरते हैं, उनके पास बंदूक है और उनके डर के मारे जो है कुछ करते ही नहीं हैं। ज़्यादातर मतलब लड़के गुंडे टाइप के हैं, वो चोरी छुपा से जो है निकल जाते हैं, उन्हें देखते हैं तो बहुत डरते हैं। आप लोगों को कितना भय रहता है उनसे? हमसे बहुत डर लगता है उनसे। शाहना गांव गांव जाकर लोगों से जुर्म के खिलाफ लड़ने की अपील करती है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार का पुरजोर विरोध करने वाली शाहना गांव के विकास के लिए काफी आगे रहती है। भूमि विवाद से लेकर पानी की समस्या तक हर कोई शाहना के पास मदद मांगने आता है। अलके मिश्रा, शाहजहांपुर, सीएमएन न्यूज। तो फिलहाल आज के लिए खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।